चलो सो जैसा कि हम बोले थे, अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। सारे लोग हैं, हम लोग अच्छे से तैयार होकर के जा रहे हैं पूजा करने मंदिर, दुर्गा माँ के मंदिर। वहीं पे पूजा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस पूजा में क्या होता है। हमको भी नहीं पता, मम्मी से पूछ के बताएंगे। हम भी पहली बार कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से सब कितने। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, इट्स अक्कू एडीआर व्लॉग्स। और आज हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। क्या बोलते हैं अमर पूजा को? विपद तरणी पूजा का नाम है। तो आज पूरा दिन फास्टिंग पे रहेंगे, तो मिलते हैं आप लोग से मंदिर में और दिखाएंगे कि पूजा कैसे करते हैं इसका। पूजा करने के लिए ऑरेंज ऑरेंज साड़ी पहन के रेडी हो गए हैं, दिख रहा है पूरा मंदिर वंदिर लगाया थी, तो बर्थडे वाला मंदिर था, पर पूजा में भी काम आ गया है ना। कैसा लग रहा है साड़ी का कलर आप लोग बताइए, और हम कैसे लग रहे हैं। टाटा बाय बाय, अभी नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे का सीन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हल्का हल्का धूप है, देख रहे बहुत ब्यूटीफुल है। चलो सो जैसा कि हम बोले थे, अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। सारे लोग हैं, हम लोग अच्छे से तैयार होकर के जा रहे हैं पूजा करने मंदिर, दुर्गा माँ के मंदिर। वहीं पे पूजा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस पूजा में क्या होता है। हमको भी नहीं पता, मम्मी से पूछ के बताएंगे। हम भी पहली बार कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से सब कितने रहे। टकलू भी जा रहा है, बोल दो टकलू। तो मिलते हैं मंदिर में। तो आप लोग देख चुके हैं मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रहा मंदिर का व्यू, मंदिर अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अब पूजा करेंगे। बहुत भीड़ है, दीदी है, बहुत सुंदर लग रही है आज। चुपन भी आया है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, तो आप लोग को बताते हैं कि इस पूजा में क्या होता है। ये सारे फैमिली और हस्बैंड के लिए किया जाता है ना दी, सारे फैमिली और हस्बैंड के लिए किया जाता है, ताकि फैमिली पे कोई परेशानी ना आए उस चीज़ के लिए। और ज़्यादातर इसमें पंडित सारा पूजा कर देते हैं, उनके साथ हम लोग जाते हैं और वो सारा पूजा कर देते हैं। यहाँ पर सारे लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। अभी हम लोग यहाँ पर है इस जगह पर, अभी करेंगे पूजा। मंगी गई है धूप घास लाने, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी। आ रहे हैं मूवी। ये शिव मंदिर, यहीं पे सारा पूजा होता है। सो आप लोगों को और अच्छे से दिखाएंगे, बट अभी भीड़ है ना। जब से हैं जुदा है मेरे हमनशीन, यूं देखो तो मेरे दामन में क्या नहीं, दौलत का चांद है तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया है। और इसमें ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं, तो अभी लगाए हैं, अभी मम्मी भी लगाई है ऐसे ही सिंदूर, दीदी भी लगाई है ऐसे ही सिंदूर। घर पहुंचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि शाम तक इस पूजा में क्या क्या होता है। पूजा करके आ चुकी है और बना रही है प्रसाद, नारियल केला आम और क्या और कुछ नहीं। और ये है पचमेवा और उसको क्या बोलते हैं बत्यासा, और ये है मस्त चीज चेरी। चेरी
इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अनारस पाइनएप्पल अनारस हमको बहुत अच्छा लगता है। सो पूजा तो कर ली अब खाना है कुछ है ना वो बीच से पकड़ने के लिए सपोर्ट सब धोया हुआ मम्मी ये प्रसाद बनके कंप्लीट है सारा प्रसाद आकांक्षा और पापा बनाए अभी भी कट रहा है अनारस थोड़ा खराब इसका मेन प्रसाद यही है जो चढ़ता है हाँ ये कट रहा है इधर और ये बांटने के लिए रेडी है। सो अभी बताएंगे आप लोगों को ये पूजा क्यों किया जाता है यहाँ पे ये बांधा जाता है मेरे हाथ में आप लोग ये ऑल फैमिली सबके सबके हाथ में बांधा हुआ रहता है तो देखिए ये देखिए पूजा करके फैमिली मेंबर को और खुद को पंडित को भी बांधते हैं। देख सकते हो आज का मौसम कितना बजा और अभी 7 बजने वाला है बट अभी तक ना अंधेरा नहीं हुआ 15 मिनट बाकी है 7 बजने में बहुत मस्त मौसम है ना दिल खुश हो गया मौसम देख के देख वाह देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है देखने में। हाँ अजकू का आज इसका फास्टिंग है उसलिए नहीं जा पा रहे नहीं तो ना चल जाता है बहुत मस्त मौसम किया है 7 बजने वाला आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स आज मॉर्निंग हो गया जैसा कि बताने वाले थे कि इस पूजा में क्या होता है कैसे होता है और किस लिए करते हैं तो मम्मी बताएगी हम भी बताएंगे हमको ज़्यादा नहीं पता जैसे मम्मी पूजा किस लिए होता है इस चलते होता है जैसे कि हर दुख विपद कष्ट सब हरण करते दुखा होता है। हाँ हम लोग का जो पूजा करते हैं ना तो उनका दुख सारा हरते हैं जो भगवान दुर्गा माता मुसीबत दुख कष्ट तो ये सब ना हो इसीलिए मतलब हम लोग पूजा करते हैं और इसके लिए ये धागा हम लोग हाथ में बांधते हैं ये वाला और ये हमेशा इसको बांधे रखते हैं तो यही है इस पूजा का मतलब और सारे फैमिली के लिए करते हैं फैमिली के लिए हस्बैंड के लिए सबके लिए ताकि बेटा बेटी पति ताकि फैमिली में किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो सब सुखी रहे बस यही है इसका मोटिव जैसे करते हैं माता रानी को बहुत शक्ति है। हाँ तो जो श्रद्धा मानते हैं सब करते हैं बहुत भीड़ भी था कल वहाँ पे गए थे हम लोग। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड बी सेफ इन योर होम बाय बाय।